हैप्पी बर्थडे टू यू. अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. सबसे पहले तो मैं हैप्पी बर्थडे अपने आप को बोलती हूँ. हैप्पी बर्थडे टू मी. एंड अभी तक का जो सफ़र था मेरे साथ, मतलब मेरी सेल्फ के साथ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी था, बहुत ही ज़्यादा. एंड आई एम सो हैप्पी. सो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल से दिन को और भी ज़्यादा यादगार बनाते हैं एंड अच्छे से शुरुआत करते हैं. तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं. दरअसल हमारे ना फ्रेंड आए हैं बैंगलोर से, तो अभी उनसे ही मिलने जा रहे हैं नगर केसल में. तो वो मिलेंगे हमें नगर केसल में. हाय बोलो. हेलो गाइस. कहाँ जा रहे हो आज? कुल्लू. मी भी कर देखो मेरे. बाय बाय बाय. टाटा. इंग्लिश वाला लो वाली इंग्लिश. इडियट क्या बोलती है? आई इडियट. आई. सो चलिए गाइस, तू ये बता, ये पे बोलती है ऐसा आई इडियट अपने आप को. तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल डे को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं. लेट्स गो गाइस. मौसम तो देखो एक बार यार, बिल्कुल पैक हो रखा है. जो ये वाला मौसम है ना, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट मौसम है मेरा. तो चलो गाइस, हम लोग ना अभी तक बस का वेट कर रहे हैं, बट बस का नामो निशान नहीं है. क्यों छोटू, क्या बोलता तू? आज क्या लग रहा है? स्नोफॉल बता तो सच में रे, स्नोफॉल आ रहा ना. बस सही में यार, हम कब से लेकर वेट कर रहे हैं, बट बस का कोई अता पता ही नहीं है. कम से कम बस तो आ जाए. जो बिल्कुल भी प्लान नहीं था यार, बिल्कुल भी नहीं था प्लान. सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा करना है. आज मैंने सोचा था कि मैं अपना बर्थडे प्यार से अपने आप के साथ बैठ के मनाऊंगी. एंड मैंने ये भी सोचा था कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगी जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, अकेले टाइम स्पेंड करूंगी. बट मम्मी ने बोला नहीं, मेरे भाई को मेरे साथ भेज दिया. बट नो प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा काम है यहाँ पर, इसलिए आया है इस साथ. वरना इसको भी क्या फ़र्क पड़ता मैं कहीं भी जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है. तो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया. दरअसल हम लोग नगर नहीं जा रहे हैं. नगर हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है. तो हम लोगों को जाना पड़ेगा मनाली, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो भी नहीं आ पाएंगे नगर, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो गया कि कुछ भी हो सकता है कभी भी. तो गेस्ट को मुश्किल हो जाएगा. तो करके हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया. तो हम लोग जाएंगे अभी मनाली को. नगर शायद हम कल जाएंगे मे बी. तो आज हम चलते हैं मनाली. और हम लोगों को दिख गई यहाँ से बस वो दूर से, क्योंकि यहाँ से ना वो परे वाला रोड दिखता है और लगता है बस हमारे बीच में कुछ ही बस ही है यार. शायद कहीं ट्रक ट्रुक तो नहीं है? स्कूल बस वैसे दूर से तो बस ही दिखी रही है, पता नहीं अब क्या है. आप देख सकते हो वो दूर, वहाँ से देखा था हम लोगों ने कि बस है कि क्या है. तो गाइस फाइनली हम लोगों की जो आंखें थी वो काफ़ी तेज निकली. सच में ही बस आ चुकी है. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली. मनाली तो पूरी सज चुकी है रे, पूरी की पूरी, और इतनी खूबसूरत हो रखी है मनाली की क्या बताऊं. टॉप जीत बंदे 19, लास्ट टू 82 82. बुर्का विद वाइट. लंच करने आए हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो सीधा ही आ गए हैं मनाली में. एंड हमारा आ गया है यहाँ पर सूप आ गया है. ये रहा, ये देखिए पूरी जो मनाली है बिल्कुल सज चुकी है. विंटर कार्निवल की तैयारी जोरों शोरों में. यस, अब मुझे भी घर निकलना होगा. मैं भी निकल रही हूँ घर की तरफ. तो चलिए पहुँचते हैं घर. एंड मेरा जो भाई है वो तो चला गया अपने दोस्तों के साथ. पता नहीं उसके कौन दोस्त मिले उसको. वो आया ही मेरे साथ इसीलिए था कि मेरे दोस्त आएंगे. ये वो तो शायद उसके किसी दोस्त का बर्थडे बूढ़े है शायद की, पता नहीं क्या. तो वो तो चला गया, अब मैं रह गई. अब मैं निकलती हूँ घर की तरफ. तो चलो घर पहुँचते हैं. तो गाइज मैं घर पे पहुंच गई हूँ, लेकिन साहिल तुम. और यहाँ देखिए दो चिंडिया. हेलो चिंडियोस. क्या हो गया? दोनों की शक्ल ना बेहाल हो रखी है. आटा दिख रात में. दरअसल ये बना रही है आज स्पेशल मोमो. ओह माय गॉड, देख सकते हो गाइज ये मोमो बन रहे हैं आज. और ये साइज बन रहा है. तू कब जाए ये साल, तू मेरे से पहले गया. सो गाइज मैंने आपको बताया था ना कि वो उसके, उसने कहा कि मेरे दोस्त वगैरह मिलेंगे मुझे. तो बट ये तो मेरे से पहले पहुंच गया. बट हाँ शायद मैं थोड़ी देर माल रोड में भी बैठी थी. बट आया तब तूने मेरे को फोन तो करना चाहिए था तुझे. मेरे को क्या बता, कैसे बिजस के दोस्त मिले थे इसको. फिर इसने बोला मैं आऊंगा इनके साथ थोड़ी देर में. मुझे लगा फिर मैं बैठती बैठ करने पहले इसका. फिर मैं रामबाग चले गई ऊपर. फिर मैं थोड़ी देर माल रोड में बैठी. उसके बाद क्या, उसके बाद फिर मैंने फिर इसको फोन किया. बट इसने, इसका फोन ही नहीं लग रहा था.
दूजी बार इसने उठाया नहीं फोन, मैंने रहने दी, इसने खाया सो अपने दोस्त आता है। उसके बाद मैं बस में बैठ गई और फाइनली पहुंच गया मैं घर अपने, बट मेरे से पहले ही ये पहुंचा हुआ। तू गाड़ी में था? किसकी गाड़ी? तो कहते मुझे तो बोल देता गाड़ी में था तो। वाह रे वाह, बंदा गाड़ी में आया फिर भी बंदे ने मेरे को नहीं बोला, मेरे 20 रुपए तो बच जाते। बाकी मेरी प्यारी प्यारी सी हमारे लिए बना रही मोमो। रिया हेलो करो, ये आपके फैन है यहाँ पर, हेलो तो बोलो। आई इडियट बोलो। तो रिया करिए अभी काम शिद्दत से, मोमो बना रही अपनी बुआ के लिए। चलो कभी कभी तो चलो, इतना तो सुख है इनका। तो चलिए अब आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्या। दरअसल मैं इस बार अपना बर्थडे इसलिए नहीं बना रही हूँ बिकॉज आज मुझे अपने साथ बैठना था, अपनी सेल्फ बर्थडे इंजॉय करना था, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं गई। कुल्लू में मेरे दोस्त वगैरह थे, वो बोल रहे थे कि आने को। मनाली में भी थे दोस्त, बट मैंने उनको मना कर दिया कि मैं बिजी हूँ। सॉरी अगर आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग तो सॉरी, बिकॉज मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना था। बहुत बना दी बर्थडे वगैरह तो अपने साथ टाइम स्पेंड किया। दादी दादी की क्या जन्मदिन मेरा सबसे दादी को मालूम ही नहीं। मीठा नो लाते खाने मीठा नहीं दादी, दहलो तो खाओ। दोती हाँ तो पूछो नहीं था की पे खाओ दादी जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू लासिया। यहाँ पर बन रहे हैं हमारे मोमो। और गाइज मेरी बूजी का हैप्पी बर्थडे है, वो तो बहुत ही नाराज है। क्या बोल रही है बेवकूफ पागल, क्या बनाया आज बता? आज हमने ना सिद्धू बनाया है, मोमो बनाया है। झूठ मत बोल, सच बता, सच बता। सच में हमने मोमो बनाया ना, और हमने सब्जी काटी थी, और फिर हमने मोमो बनाए, और फिर हमने दाल बनाई थी खाने के लिए, हमने चावल बनाए। बढ़िया। और ये अंजलि, और ये रिया, ज्यादा मत बत, और ये दादी। मेरी फोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, तो अभी फोन चार्जिंग में होने रखूंगी, मतलब तो रखते हैं चार्जिंग में, बाकी अभी खाना खाएंगे हम थोड़ी देर में ही। लेट्स गो। हेलो गाइस, सो गाइस आप जानते हैं मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो उसने तो केक लाया नहीं, लाया तो मैंने, अब मैं उसे सरप्राइज दूंगा। चलो उसे कुछ भी पता नहीं है, अब देखते हैं। अभी वो खाना खाने गई है और फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया था उसने, तो अभी मैंने यहाँ से फोन ले लिया है, तो चलो उसे सरप्राइज देते हैं, जरा उसकी खुशी देखते हैं कैसी होगी। और गाइस मेरे साथ रिया है। सो हेलो गाइस, कैसा लग रहा दीदी? चुप बैठ गया। कैसा लग रहा आपको बर्थडे नहीं मना रहा आपका? कैसा लग रहा कैसा लग रहा आपको बताओ? आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैंने अपना बर्थडे मना दिया। केक नहीं है रिया था पड़गा की मत कर शोर रियान रावला। सो गाइस साथ देखते हैं हमने केक लाया है, हमने मींस मैंने केक लाया है। और कैसी कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत कुछ ठीक लगेगा, आप बता दो कैसा लग रहा है आपको? बताओ आपकी खुशी, बताओ हमें, हम देखना चाहते हैं आपकी खुशी। मेरी खुशी क्या है? अगर केक लाना था तो मैं पहले भी ला सकती थी, मैंने सोचा था मैं ये केक कुछ बहुत बहुत नाइस है, आप देखोगे तो आपको प्यार हो जाएगा। तो तूने बताया केक कब लाया? बस जब मैंने तेरे को बोला, मेरे उस टाइम दोस्त का कॉल आया था, मैं सोचा सरप्राइज देता तेरे को। दिया तूने सरप्राइज? आ रहा स्वा मम्मी ने दिया ना, ये मम्मी ने लाया ना, मेरे को क्या पता मम्मी ने दिए पैसे, तेरे तो पैसे होते नहीं कभी। Ha 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 ha!
गाइस चल तू ही करेगी इसकी ओपनिंग। बेवकूफ कहेगा तू भी है गोड़ी तभी तुझ में मेरे को रुका भी नहीं तू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear last year. 50 रुपए का हिल गया ये सच में। So wow, आप देख सकते हो बहुत प्यारा ना कि पांडे पांडे क्या बनाया भाई ये देखते एक मामा खाते तू टेंशन क्यों ले क्यूट है यार ये केक देखा तेरा जस दिमाग नहीं ना चला ना किसने बनाया क्या मैंने बोला उनको बनाने को तूने बोला तेरा से बेकरी वाले अंकल को पूछ वाला अच्छा लगा वो मुझे बट बहुत अच्छा लगा वो बट मैंने मैंने ना केक नहीं काटना था बस मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हल्का हंस तूने बहुत अच्छा लगा ना देखो थैंक यू नहीं बोल सकते थैंक यू क्या मैंने काटना ही नहीं था बट चल तब क्या अभी देख पसंद आया ये बात है बहुत प्यार जैसे मैं ये तो मेरा डिजाइन का केक जैसे मैं बनाती हूं कैसा लग रहा मम्मी चल फोन दे कैसा लग रहा है अच्छा मम्मी को अच्छा ही लगता है आप हर वीडियो देखेंगे तो मम्मी को अच्छा ही लगता है यार बट केक बहुत प्यारा लगा मुझे यार चलो हम अच्छा कैसने लासिया क्यूट है यार ये केक चलो तो केक काटते हैं बाकी दादी यहाँ है रियू रियू तुझे कैसा लगा इधर कैसा लगा तुझे सरप्राइज रियू इज कॉल्ड सरप्राइज कैसा लगा कैसा सरप्राइज दादी खा रहे हैं मोमो हम लोग तो बस सब खाना खाने की तैयारी में थे कि चलो फटाफट खाना वगैरह खाते हैं बट चलो क्या करना था दीदी बनाया बर्थडे बनाया मैंने मैं अपना रिलैक्स होकर घूमने चलेगी क्योंकि इस बार मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जो बर्थडे है वो मैं अकेले ही इन द सेंस अकेले इन द सेंस अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगी बर्थडे का आज रियू भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मुझे ये जो दो मतलब पांडा बने हैं ना ये बहुत प्यारे लगे देख सकते हो आप कितने प्यारे पांडाज है इनके नाखून भी है अरे वेरी नाइस जिन्होंने केक बनाया ना थैंक यू सो मच जिसने भी ये केक बनाया ना मुझे पता है एक वो अंकल होते थे वो तो मेरे जान पहचान के बट ये बोल रहा कि वो अंकल नहीं थे तो पता नहीं जिसने भी बनाया हुआ थैंक यू सो मच थैंक यू एंड थैंक यू मेरे भाई थैंक यू मेरे पूरा परिवार एंड थैंक यू एवरी वन एंड थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली आप तो मेरी फैमिली की तरह ही हो एंड चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर लासिया हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lasya. Happy birthday to you. Thank you so much. Maar de phook. Happy birthday to myself. ये केक काटने का मन ही नहीं कर रहा है मम्मी फूक मार ये केक कितना क्यूट है फूक मार जल्दी से खा लो चलो ठीक है अब बना लेते हैं Happy birthday to you. Happy birthday. क्योंकि मम्मी ने तो जन्म दिया आज के दिन मुझे आई मीन बोले वाले सब ज्यादा खुश तो मम्मी को हो गया आज ना इतना बड़ा बोझ निकल गया अरे कहना क्या चाहते हो मतलब इतना बड़ा मतलब बोझ इतना मतलब मम्मी का भी एक तरह से बर्थडे आज मतलब क्योंकि एक माँ वरना बहुत मजाक नहीं है चल उसमें ये रियू सो स्वीट तुम लोगों की प्लानिंग थी क्या पहले से दादी तो बर्थडे के दिन तो लगना चाहिए होता है नहीं नहीं बर्थडे के दिन तो चाहिए ही चाहिए ले 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 हैप्पी बर्थडे टू यू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सो गाइस बहुत अच्छी हो जाएगी बस हो गया अब ज्यादा नहीं करना अंजलि मत कर ओ भाई
वो बाकी वो रुक 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 ओ इस केक में मत बनाना मैं बाकी नहीं कोई चक्कर बड़ी मुश्किल से लाया मम्मी मम्मी क्या हो रहा वाओ ब्यूटीफुल सो सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल मम्मी मम्मी कैसे लग रहा अच्छा लग रहा है मम्मी को कभी जब भी बोला अच्छा लगा कुछ बोलना चाहोगे आज बोल दे मम्मी कुछ तो मम्मी बोलती है चुप बैठ और केक कुछ इतना अच्छा लाया था कि मेरा भी तो दिल नहीं कर रहा है सो गाइस इनका अभी हो चुका है सबसे पहले तो थैंक यू मैं अपनी मम्मी को कहना चाहूंगी मम्मी ने मतलब जो आज के दिन फ्री हो गई थी बोझ नहीं सॉरी गलती से निकल गया मतलब मम्मी आज के दिन फ्री हो गई थी इन द सेंस मुझसे ठीक है तो मम्मी को कैसा लग रहा है असली में आज एक मेरे बर्थडे के साथ साथ मम्मी का भी जन्मदिन है मम्मी दूसरा बर्थ है मम्मी का आज मम्मी बता लो कैसा लग रहा है ये मेरे लिए है ये मेरे खुद के लिए है मम्मी को दिखला दे अपने लिए थोड़ा सा खाने थी थैंक यू सो मच माई सेल्फ जिसने लाया उसको नहीं खिलाना मैं बनाती तब पूरी फफड़ नहीं तू देखी तो गाइस बहुत बताया मेरा मन कर इनको ऐसे रखने का मत कर साहिल खाएगा लेकिन इनको नहीं छोड़ता इनको तो बचा रही हूँ तुझे अच्छे लगे ये साहिल ये इन दोनों पांडे के चक्कर में मेरे को भी बड़े प्यार दादी तो गाइस आप देख सकते हो अमेजिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मेरे भाई थैंक यू सो मच तो अभी तो गाइस अभी ऐसा करते हैं तो गाइस अभी ऐसा करते हैं कि फटाफट आप खाना खा तो गाइस ये देखिए यहाँ से आ रहे मोमो सीधा यहाँ से जा रहे हैं मोमो तो वो भागल जैसा बनने वाला डिंपल जहाँ था बोलूँगा उसको बूस्ट करना मेरा लिए तो गाइस मोमोज जब भी आपको एक आदत इसकी पता ना जब भी कोई खाना को ना दूसरों को दिखा के खाती है नोबडी चुप बैठो ये बस नहीं होममेड मोमोज है ये होममेड मोमो को भी दिखा के खा रहे आपको खाने की होगी पक्का मेरी मम्मी ने बनाया मेरे बर्थडे के थैंक यू मम्मी